हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि आज 12 तारीख है, ठीक है, और यहां पर जो डेट रखी हुई है वो 3/9/2020 और आज है 12/9/2020। तो 3 में और 12 में यानी कि कुल मिला के दोनों में 12 का 9 का अंतर है, 9 डेज का अंतर है, तो यहाँ 9 डेज आ गया है। इसी तरह से ये जो डेट्स है उसमें और जो करंट डेट है उसमें दोनों में 51 दिनों का अंतर है, तो यहाँ 51 आ गया है, ठीक है। इसी तरह से ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से यहाँ से क्वेरी बना लेते हैं, ये क्रिएट पे जाकर क्वेरी डिजाइन पे चले जाइए, ये आ गया क्वेरी डिजाइन पर, यहाँ से इस फील्ड को ऐड कर लीजिए और यहाँ से हम वो सारे फील्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पता करना है ना, एन ओ ऑफ डेज मैं लिख देता हूँ इस फील्ड का नाम, एन ओ ऑफ डेज, ठीक है, और यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे डेट फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ये करंट डेट से माइनस करेगा डेट ऑफ पी जो फील्ड डाली है मैंने उसे, ठीक है, तो इसको ये माइनस कर देगा। अब यहां से रन पर क्लिक कर दीजिए तो ये देख रहे हैं कि यहां पर इस डेट से 9 डेज का डिफरेंस आ रहा है, यानी कुल मिलाकर 9 दिन हुए जो करंट डेट है उससे। देखिए यहां पे करंट डेट में आपको दिखा देता हूं, आज 12 तारीख है, तो यहां पे देखिए 12 तारीख और यहां पर कितना दिया हुआ है 3 तारीख, तो ये अगर 3 से अगर आप काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिनों का अंतर आ रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंट करके हमें देगा और ये बहुत इजी है। इस तरह से आप करके दिनों की भी संख्या और महीनों की भी संख्या बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप जो भी नाम देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया एक नाम और यहां पर कोई डेट अगर चूज कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 11 चूज करता हूं, तो यहां क्या आएगा, यहां पे एक दिन आ रहा है, यानी 12 और 11 में एक दिन का डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।